हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे सामने एक सैमकॉन कंपनी का MP3 मीडिया प्लेयर कार्ड है। तो आज हम इस कार्ड का कनेक्शन आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, जो कि बहुत ही आसान है। और इसका साउंड क्वालिटी की बात करें तो ज़बरदस्त इसका साउंड क्वालिटी है। तो कैसे इसका कनेक्शन करना है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो मीडिया प्लेयर कार्ड है, इसमें USB, ब्लूटूथ, ऑक्स, FM, माइक, ये सारा कुछ मौजूद है। तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके साथ एक रिमोट भी हमको मिला है और एक वायर मिला है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 3 पेयर का ये सिग्नल इनपुट है। और इस कार्ड में एम्पलीफायर नहीं है, तो इसके लिए हम एक एक्स्ट्रा एम्पलीफायर बोर्ड यूज़ करेंगे। 7297 का एम्पलीफायर बोर्ड है ये। इस बोर्ड को हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ये ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी है, इसमें 60 वाट का आउटपुट आपको मिलेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले लेना है सिग्नल इनपुट वाला वायर। ये 3 वायर इसमें है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो बीच वाला वायर को आपको ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड का ग्राउंड PCB से आपको जोड़ लेना है, यानी कि नेगेटिव लाइन से। तो इस तरह से नेगेटिव लाइन से आपको जोड़ लेना है। इस बोर्ड में तो ऑलरेडी सारा कनेक्शन किया हुआ रहता है, लेकिन फिर भी हम आपको करके दिखला रहे हैं, इसलिए कि अगर वायर वगैरह छूट जाए तो आपको कनेक्शन जोड़ने में आसानी हो। इस तरह से जोड़ा जाता है। तो आपको दोनों इनपुट पॉइंट पे एक एक वायर को फिर आपको जोड़ देना है। बीच वाला वायर को नेगेटिव और साइड साइड का दो जो पॉइंट आप देख रहे हैं वो सिग्नल इनपुट पिन है। इस तरह से तीनों वायर को आपको ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड में जोड़ लेना है सिग्नल इनपुट के लिए, यानी इसी से मेरा ऑडियो सिग्नल इनपुट होगा। अब इस कार्ड में हमको 5 वोल्ट सप्लाई चाहिए, उसके लिए हम 5 वोल्ट सप्लाई लेंगे इसी एम्पलीफायर बोर्ड में। एक 7805 से रेगुलेटर IC लगा हुआ है। इसका पिन नंबर 1 जो है आउटपुट है, सॉरी, पिन नंबर 3 जो है आउटपुट है, और 2 नंबर पिन जो है मेरा ग्राउंड है। तो पिन नंबर 3 से हम रेड वाला वायर को जोड़ेंगे, अब ब्लैक वाला वायर को हम नेगेटिव में जोड़ेंगे। तो ये जो मेरा वायर है, ये मेरा 5 वोल्ट इसमें आउटपुट होगा। ये 5 वोल्ट मेरा मीडिया प्लेयर मॉड्यूल में जाएगा। उसके बाद हम स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए ऑडियो आउटपुट से 2 वायर कनेक्ट करेंगे। ये दोनों पॉइंट ऑडियो आउटपुट पॉइंट है, तो 2 वायर हम जोड़ेंगे इसमें। लेफ्ट एंड राइट के लिए 2 पेयर का 2 वायर को हम जोड़ेंगे। इसमें अब 2 स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं। इस एम्पलीफायर वोल्ट का साउंड क्वालिटी की बात करें तो ज़बरदस्त इसमें साउंड है। इसमें आप 2 एम्पियर से लेकर 3 एम्पियर तक का 12 वोल्ट सप्लाई देंगे तो इसका जो क्वालिटी है वो ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों वायर को आपको कुछ इस तरह से कनेक्ट कर लेना है स्पीकर में जोड़ने के लिए, यानी कि ये ऑडियो आउटपुट वायर है। स्पीकर का दोनों वायर को जोड़ लेने के बाद दोस्तों, अब आइए मॉड्यूल का कनेक्शन करते हैं। तो मॉड्यूल का कनेक्शन के लिए तो हम 2 वायर जोड़ चुके हैं, ये सिग्नल इनपुट वायर है और ये सप्लाई है। तो मॉड्यूल में बस 2 ही वायर कनेक्ट करना पड़ता है, सिग्नल इनपुट वायर और सप्लाई। तो अब हम इस जैक को मॉड्यूल का सिग्नल आउटपुट जैक पे इस तरह से फिट कर देंगे और सप्लाई का वायर को भी कुछ इस तरह से जैक में हम लगा लेंगे। देखें दोस्तों, मेरा कनेक्शन जो है मॉड्यूल का भी हो चुका है। अब हम इस एम्पलीफायर बोर्ड में सप्लाई देंगे, जो कि सप्लाई देने के लिए हम एक DC सॉकेट का यूज़ किए हैं। आप चाहे तो वायर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक DC जैक को यहाँ पे लगा रहे हैं। आप
वायर जोड़ के इसको कैबिनेट वगैरह में फिट करके आसानी से घर पे यूज़ कर सकते हैं। इस जेक का पॉजिटिव पॉइंट को इस एम्पलीफायर बोर्ड का डायोड में, डायोड जो लगा हुआ है उसका एनोड में लगाना है, और नेगेटिव को, नेगेटिव वाला पॉइंट को आपको नेगेटिव के साथ इस तरह से आपको वायर के थ्रू जोड़ लेना है। बस इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का आपको विशेष ख्याल रखना है। ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड में अगर आप प्लस माइनस उल्टा अगर जोड़ेंगे तो आपका बोर्ड जो है ख़राब हो सकता है। तो देखें दोस्तों, मेरा कनेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब आइए इसमें हम सप्लाई देंगे और एक स्पीकर को कनेक्ट करके इसका टेस्टिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास एक 6 इंच का स्पीकर वूफर है, सॉरी, इसको हम जोड़ते हैं। तो दोस्तों, ये 60 वाट का एम्पलीफायर बोर्ड में आप 2 स्पीकर को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं और उसका साउंड क्वालिटी ज़बरदस्त आपको मिलेगा। तो देखें, मेरा जो कनेक्शन है वो कम्प्लीट हो चुका है। अब आइए इसमें हम एक एडेप्टर से इस एम्पलीफायर में सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों, इस एम्पलीफायर बोर्ड में 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर से 3 एम्पियर तक का आप सप्लाई देंगे तो इसका रिस्पांस बिल्कुल बेस्ट होगा। देखिए दोस्तों, जैसे ही हम सप्लाई दे रहे हैं इसका डिस्प्ले मेरा ऑन हो गया है। अब आइए इसका साउंड क्वालिटी को हम चेक करके देखते हैं। अब इस मीडिया प्लेयर का जो मोड बटन है उसको हम सेलेक्ट करके जो भी हमको यूज़ करना है उस मोड में हम करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, इसका साउंड की बात करें तो ज़बरदस्त इसका साउंड है, और इस कार्ड में यानी कि इस मीडिया प्लेयर मॉडल में एक मेन खासियत ये है कि इसका आवाज़ को आप मोटा पतला भी कर सकते हैं, यानी कि इसमें बास एंड ट्रेबल का भी ऑप्शन है, क्योंकि रिमोट से आप आसानी से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।